हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक फिर से एक DIY है जो मैंने वेस्ट मटेरियल से क्रिएट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ ना कुछ आपसे DIY कर शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी सेम वही मेरा DIY है। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं हमारे गार्डन में भी कितने अच्छे से कैना लिली ब्लूम हुए हैं, कितने नंबर्स ऑफ कैना लिली। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये फ्लावर। और मोगरा भी काफ़ी सारे नंबर्स में ब्लूम हुए हैं। और फ्रेंड्स, इधर मेरे लाइन से जीनिया के प्लांट्स लगे हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें कितने कलर वेरिएशन है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जीनिया के साथ मेरे वाइट, ये देखिए कितने सारे मेरे निकले हुए हैं चांदनी के भी। और इसके साथ मैं चलती हूँ, मैंने जो प्लांटर बनाया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं मैंने कौन से प्लांटर्स बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वेस्ट बॉटल से कार्टून प्लांटर्स बनाए हैं। और जैसा कि कार्टून्स बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने अपने कुछ कार्टून प्लांटर्स अपने बच्चों के डिमांड पे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, उसे सिर्फ आप कार्टून प्लांटर एज अ कार्टून प्लांटर नहीं यूज़ कर सकते, आप उसे अपने बच्चों के कमरे में एज अ डेकोरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं वो प्लांटर्स, चलिए मैं आपसे शो करती हूँ। और उससे पहले देखिए, मेरा ये जो पीस लिली का पहला फ्लावर जो निकला था, वो अब ग्रीन हो गया है और मुरझा रहा है। और ये लगभग एक महीने से खिला हुआ है। और मैंने जब पीस लिली पे वीडियो बनाया था, ये तभी खिला था। और तब से ये लगातार खिला ही हुआ था, काफ़ी स्टेबल इसका फ्लावर है। और अब इसमें से नीचे से नए एक फूल का निकला हुआ है, और अब इसमें से एक नया फूल भी निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम देखते हैं कि मैंने कौन से प्लांटर बनाए थे। तो फर्स्ट प्लांटर जो मैं आपसे शो कर रही हूँ वो ये है, ये देखिए रैबिट प्लांटर। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये रैबिट प्लांटर है। और इसको मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो है, मैंने वेस्ट जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है 2 लीटर की, उसी से बनाया हुआ है। और इसको जो है मैंने पहले मार्कर से निशान लगा लिया इसमें, जिस तरीके से मुझे डिज़ाइन बनाना था। और उसके बाद मैंने इसमें इसके टीथ की भी डिज़ाइन उसी में रखी थी। और फिर मैंने शार्प नाइफ से ये एरिया इसको कट कर दिया, बिल्कुल निकाल दिया, और टीथ इसी में लगा हुआ था। मैंने बस इसके चारों ओर से इसको कट कर दिया। और उसके बाद जो इसके बीच का ही वेस्ट मेरा बॉटल का बचा हुआ था, उससे मैंने ये इसके ईयर्स निकाल लिए डिज़ाइन मार्कर से, डिज़ाइन बनाकर ये मैंने ईयर निकाल लिए। और उसके बाद मैंने इसे, इसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने इसे जॉइंट कर दिया है, चिपका दिया है इसे ग्लू गन की सहायता से। और एंसल से मैंने इसके आईब्रोज और आई बनाए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक मार्कर का यूज़ किया है, जो परमानेंट मार्कर होता है, और उससे मैंने इसके आउटलाइंस किए हैं। तो ये मेरा रैबिट प्लांटर, आप लोगों को कैसा लगा? तो फर्स्ट प्लांटर मेरा ये रैबिट प्लांटर है। और इसमें आप कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये आपके, अगर बच्चों के रूम में भी अगर इसे एज अ डेकोरेटर यूज़ रख देते हैं
सोपीस जैसे, तो भी अच्छा लगेगा। और बच्चों के चीज़ें जो एसेंटल चीज़ें होती हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं, और या तो फिर आप इसमें प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और सेकंड प्लांटर फ्रेंड जो मैं आपसे शो कर रही हूँ वो ये है, ये देखिए। तो सेम प्रोसेस से मैंने ये भी बनाया है, ये देखिए। पर ये एक हॉरिबल लुक दे रहा है इसमें, जो मैं इसे क्या कहूँ, जैसे ड्रैकुला वगैरह होते हैं, ये बच्चों के कार्टून में ही आते हैं। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसकी एक आंख है और टीथ है, और इस तरीके से इसका एक सींग जैसा ये ऊपर है, ये देखिए। और सेम प्रोसेस से मैंने ये बनाया है, और ये दोनों बिल्कुल पेयर जैसे लग रहे हैं, ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस से मैंने ये भी बनाया है, और इसको मैंने ग्लॉसी फिनिश देने के लिए मैंने इसमें ऑयल पेंट यूज़ किया है। तो ये देखिए थोड़ा चमक सा इसमें शाइनिंग सी आ रही है, इसे मैंने ग्लॉसी फिनिश देने के लिए ऑयल पेंट से कलर किया है, और बाद में मैंने एक्रेलिक कलर से, ये वाइट और ब्लैक कलर से इसके बाकी चीज़ें कलर की हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं एक और प्लांटर अपना आपसे शो कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है वो प्लांटर, और सेम प्रोसेस से मैंने इसको भी बनाया है। और ये भी मेरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ही है, और इसके जो ये चश्मा है इसको मैंने एमसेल से, और इसके हैंड को मैंने एमसेल से बनाया है, और एमसेल से बनाने के बाद मैंने इसे कलर कर दिया है, ऊपर का येलो नीचे का ब्लू, और मार्कर से मैंने इसके आई नोज आई वगैरह बना दिए हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ये है। तो फ्रेंड्स ये मेरे तीन कार्टून प्लांटर हैं, तो आप लोगों को कैसे लगे मेरे ये थ्री कार्टून प्लांटर्स, और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए, और वो इन्हें मुझे अपने गार्डन में ना रखने के सजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे ये आप दे दो और मैं अपने रूम में इसे अपनी चीज़ें सामान रखूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप होम डेकोरेटर भी के तौर पे भी इस तरीके से वेस्ट मटेरियल से आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं, और गार्डन डेकोरेटर भी एज अ गार्डन डेकोरेटर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर अपने प्लांटर्स के बीच बीच में ही इस तरीके की चीज़ें रख देते हैं तो आपके प्लांटर आपके गार्डन की शोभा और भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से अगर आप अपने गार्डन में इस तरीके के प्लांटर्स बनाकर उसे डेकोरेट कर दें तो आपके गार्डन की खूबसूरती और बढ़ जाएगी, और आपके घर में ही पड़े हुए वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ये DIY आइडियाज़ कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मेरे चैनल पे कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे DIY आइडियाज़ पसंद आते हों तो प्लीज़ कमेंट इट, और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप में कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं कैसा वर्क कर रही हूँ। और इसी के साथ ये देखिए कुछ हनी बीज, और ये हमारे बर्ड्स बटरफ्लाई जो मैंने आपको ऑलरेडी DIY करना पहले ही भी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके के क्रिएशन आप कर कर अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।